हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते वेलकम टू नवाब ढाबा। ये हु इज दिस? सामिया। ये कौन है? ये हमारी मम्मा है। अरे मैं किधर हूँ? मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे सुनाई दे रहा हूँ। ये नवाब ढाबा बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। हाँ सिद्धांत, हालत खराब हो गई पहुँचते। कभी तो दबा के खाएंगे जाके अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो मैं क्या मांगूंगा पता है? मेरे को भी नहीं पता, मेनू देखते हैं फटाफट। ये क्या चील मियाँ मुझे? बाज। आप बाज नहीं आओगे, आप बाज हो और मैं चा बाज हूँ। चलो अंदर चलते हैं। हर जगह बाजी बाज। सिद्धांत वो वाला करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Eight hours later. तो हम लोग ने पूरा कम से कम 8 घंटे का कन्वर्जेशन और डिस्कशन करके हमने ये डिसाइड किया कि हम इस टेबल पे पधारेंगे। देखो हमारी, देखो देखो हमारी तशरीफ यहाँ पधारी। चलो तो अपने अभी तशरीफ को टिका दो। ये उसको क्या बोलते पता है? लहसुन बोटी। कैसा खाते पता है? ये तो भाई ये लहसुन है, ऐसा ना इसको ऐसे लहसुन निकाल देते। तो निकल गया लहसुन। ऐसा कोई कोई है ना ये छिलके के साथ खाता है, हम नहीं खाते, हम छिलके के अंदर खाते। ये लहसुन बुट, लहसुन मार निकला और ये ट्राई करो। ट्राई नहीं है लहसुन के साथ? नहीं नहीं, सब खाओ इसमें मतलब ये ठंडी है। हाँ ठंडी भाग जाएगी। और ट्राई करो। वैसा नहीं खाना है, और तरीका बता दो। अपना ड्राई आइटम आया है गाइस, ये अपना कुछ पंजाबी चिकन ड्राई है और ये सलिया कबाब है। और सलिया कबाब थोड़ा तीखा है तो वो मेरे लिए है, और ये ड्राई ये लुखा है तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा बात नहीं करूँगा, मैं खाऊँगा। सलिया कबाब कौन सा? सलिया कबाब, सलिया कबाब है बिना सलिया का। लेकिन उसको भी सलिया कबाब क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया। सलिया कबाब सलिया में बनता हूँ। सलिया कबाब कौन सा है? रेड वाला, जो रेड वाला है ये सलिया कबाब है। सलिया नहीं है, सिर्फ कबाब है।
और ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये चिकन है, चिकन पंजाबी। ए जाहिर भाई, चिकन मस्त है भाई। रेड वाला की ग्रीन, रेड वाला अच्छा है पर ये गला हुआ नहीं है। अच्छा, आपको सिखा दिया है? हाँ, हम ज्यादा नहीं खाते थोड़ा सा खाते हैं। वेटिंग ऐसी नहीं, आप अपना आराम से आप ही दे दो बेटा, चार तंदूरी रोटी दे दो साथ में, बाकी और दे दो। कितना सिंसियर है वो, ऑनेस्ट है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं ज़्यादा लेना, ऐसा नहीं। अब हमने आप लोग की बैटिंग देखी, बैटिंग मतलब खाना, तो आप लोग जिस तरह से खा रहे हो ऐसा करो, आप हाफ ही मंगा, पूरे में बच जाएगा और हाफ में भी बच जाएगा, हाफ में भी बच जाएगा। तो अभी जैसे कि खाने में ना, जो मेरी वाइफ है ना, कुछ नया नया ट्राई करती है, वो जो नया जगह ट्राई करने का ना रिस्क नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नए का ये रिस्क रहती है कि नई जगह पर जाके खा लेगी लेकिन डिश वही पुरानी खाएगी। बटर चिकन, फ्राइड राइस, ये कुछ नया मंगाए थे, अच्छा था ऐसा। तो अभी कुछ देर में राइस आएगा, राइस नहीं क्या मंगाए, बटर चिकन, बटर चिकन, फिर भी एक आइटम खाएंगे थोड़ी देर में। जब तक हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं, सलिया कबाब और मटन, नहीं नहीं सलिया कबाब और चिकन पंजाब, ठीक है? तो मिलते हैं अभी ग्रेवी के साथ। तो कुछ और नहीं ट्राई करते हुए हम लोग ने, हम लोग का स्पेशल, हम लोग का जो फेवरेट है धान का, बटर चिकन, वो हम लोग ने ट्राई किया है, अच्छा है। ठंडी में गरम गरम खाना और स्पाइसी खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे जो है सुबह 6 बजे तक ओपन है और नॉर्मली 3 बजे तक बंद होता है। बस कुछ देर में किचन बंद हो जाएगा, 2:30 बजे रात के, कितना मज़ा आ अभी झूले से हटके कहाँ जा रहे भाई? सोचो अगर मैं भी बैठ गया तो क्या हाल होगा भाई? ये होता कैसे है? ये मैं बताता हूँ कैसे कैसे चलता है ये। ये चलो, ये देख, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है ना? हाँ। पे ये बहुत अच्छा है, अच्छा है ना? ये देखो, आप जिदान को देख सकते हो, जिदान दिख रहा है आप लोग को? जिदान खा रहा है देखो अभी भी, थोड़ा एक्चुअली जिदान जो है ना थोड़ा स्लो खाता है एक्चुअली। मुझे दिखाओ, हाँ ये देखो मुझे दिखाओ, बचपन याद आ गया। तुम बोले नहीं, मैं बड़ी हो गई क्या? मैं भी झूल रहा हूँ साथ में, देखो तुम आ जाओ। हाँ, मैं भी झूल रहा हूँ साथ में, मतलब बहुत अच्छा है। तो इससे ये होता है। अच्छा, ये बताओ कि नीचे हो रहा कैसे? ये इसको एक्सेलेरेटर भी बोल सकते हैं। यो, देखो जिदान आ गया है, जिदान का खाना हो चुका है और अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज हम लोग आते आते। ये देखो जिदान आ रहा है, आप ये जिदान आया, ये जिदान भी आ गया, अभी जिदान भी हमको ज्वाइन करेगा। हाँ, तू देखो स्लो करना पड़ेगा, नहीं अच्छा। ये जिदान भी एंटर हो रहा है हमारे फैमिली राइड पे। नाउ दिस इज लाइक
फैमिली झूला। ये है करिश्मा ढाबा। ये भी अच्छा दिख रहा है ना देखने में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रिप थी माशाल्लाह। कैसा लगा सिद्धांत? बहुत अच्छा लगा। इतने दूर आए हम और खाए, कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा। सही। आमिया? बहुत एंजॉय किए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जो हमने खाया था, लास्ट में क्या सीताफल क्रीम, सीताफल क्रीम वो बहुत अच्छी थी। और मैंने तो बहुत एंजॉय किया लॉन्ग ड्राइव। पूरे लॉकडाउन के बाद अभी हम इतना लंबा सफर के लिए निकले ना, तो बहुत अच्छा लगा और खाना भी बहुत अच्छा था टेस्ट में। बहुत रात हो चुकी है, थक भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, इसलिए मैं ये व्लॉग यही एंड कर रहा हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।